हे गाइस, वेलकम टू जुडे। आई एम बैक विद अदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे हो कि आज हम करने वाले एनडी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए 2009 के जो एनडी के पेपर थे वो मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, जिसमें मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत ज़्यादा प्यार मिला। ओके, तो अब हम करने वाले हैं 2021 के दूसरे जो सेकेंड वाला पेपर था। स्लाइड प्रिपेयर थी, इसलिए मैं 2021 का सेकेंड कर रहा हूँ। 2022 का मैं आने वाले उसमें कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक से लेकर 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि इस तरह से पेपर में आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे पूरा ये पढ़ाने नहीं आया हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल वे में करना है। मेरा पर्पस जो है वो आप लोगों के अप्रोच को बिल्ड करना है, कि आपकी जो अप्रोच होगी वो किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, ताकि आप पेपर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। आपको मैं अप्रोच बताने आया हूँ, तो इस वीडियो से आपको आप लोगों की सोच आपकी जो डेवलप होगी ना, किस तरह क्वेश्चन को पकड़ना है, किस तरह क्वेश्चन को करना है, वो डेवलप होगी, ओके ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले ये प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस थे उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, ठीक है ना, तो उसके लिए वेरी थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या मुझे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। वैल्यू बतानी है, यहाँ पे कॉट है, अंदर इनवर्स में। तो यहाँ भाजब कॉट है, तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या दिखी मुझे, कि यहाँ पे कॉट है और यहाँ वैल्यू दे रही है। देखो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये सी डायरेक्टली वैल्यू। तो जो बाहर कॉट है इसका मतलब क्या है कि आपको अंदर कॉट इनवर्स बनाना है, तभी हटेगा। पहली चीज़ तो देख ली मैंने, ओके। अब दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मुझे कॉट इनवर्स लेके आना है अंदर। अब कॉट इनवर्स लेके आना है, तो एक तो कॉट दे रखा है, लेकिन एक साइन दे रखा है। तो जो साइन दे रखा है ना, तो आपको डायरेक्टली क्या होना चाहिए, आपको पता है ट्रिपलेट्स। भाई ट्रिपलेट्स आप लोग गूगल करके ट्रिपलेट्स का एक वो बना लेना, ठीक है, अपने लिए छोटा सा चार्ट बना देना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। इससे पहली वाली वीडियोज़ में मैंने बोला होगा ट्रिपलेट्स के बारे में, ठीक है। और अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप गूगल कर लेना, ट्रिपलेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन ट्रिपलेट होता है वो 3, 4, 5 होता है। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है कि आपने जो बचपन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, वही ट्रिग्नोमेट्री का है, कि ये अगर 3 होगा, ये 4 होगा, तो 5 होगा। बेसिकली ये 90° एंगल का पाइथागोरस थ्योरम होती है ट्रिपलेट, ठीक है। जो ट्रिपलेट उसे बोलते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। अब जैसे मैं अगर बोलना चाहूँ 24, 7 और 25, ठीक है, इस तरह से जो बनते हैं, तो ये क्या हो गई आपकी ट्रिपलेट्स हो गए, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ देखो ये ट्रिपलेट मैंने पढ़ लिया, अब मैं यहाँ आता हूँ साइन इनवर्स, क्योंकि कॉट में कन्वर्ट करना, तो मुझे साइन इनवर्स को पहले कॉट में चेंज करना होगा। अब कुछ बच्चे क्या होगा, जिन्होंने फॉर्मूला रटे होंगे, वो क्या करेंगे, साइन इनवर्स को किस में चेंज कर देंगे, कॉट इनवर्स में कर देंगे। लेकिन मेरे भाई एग्जामिनर जानता है कि वो क्या करेगा, बच्चे वही गलती करेंगे क्या फॉर्मूले के बेसिस में रहेंगे, और जो एक मिनट से कम का क्वेश्चन होगा है ना, उसमें वो कम से कम 3-4 मिनट ले लेंगे बस। तो वो कैसे कर पाएगा भाई, आप खुद सोचो कि 30 मिनट में आपको आपके जो CBSE का 12th क्लास का पेपर होता है उसमें आपको 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन देते हैं वो 3 घंटे में, और यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन है, कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, आपको भाई तरीका आपका दूसरा होना चाहिए ना, आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल निकलना है, ठीक है ना। तो सिंपल आउट ट्रिपलेट का, देखो साइन इनवर्स इज इक्वल टू, तो आप जानते हो कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो जो बेस होगा वो कितना होगा 4। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो ट्रिपलेट है, ठीक है ना, बस ये 3 कहाँ पर रहेगा, ये परपेंडिकुलर में, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये थीटा हो गया, भाई किसी कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपके दिमाग में से कॉट इनवर्स कैसा आना चाहिए, कॉट होना चाहिए, मेरे दिमाग में आएगा कॉट इनवर्स, अब ये रहा यहाँ पे, ठीक है ना, थीटा ये, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 4/3 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब एडिशन वाला फार्मूला तो इजी है, ठीक है ना, एडिशन वाला फार्मूला इजी है, तो क्या करेंगे, सीधे कॉट होगा, कॉट इनवर्स, ठीक है, 4/3 × 3/2 -1/4/3 + 3/2, ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज़ किया ये आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये 3 से 3 कट गया, ये से 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2 - 1, और यहाँ पे से करेंगे 4 × 2 = 8 और 9 = 17, 17/6 = 1, और यहाँ कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स चले गया, तो बचेगा जो आंसर कितना आ जाएगा 6/17।
या 6/17, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप्स आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है ना भाई। पेपर में जितना कम पेन का यूज़ करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो कि किस तरह करना है। हर जगह आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ अपना दिमाग यूज़ करना है कि किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में किया जा सकता है। और यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, आप लोगों के लिए थोड़े सी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कर सकते हैं। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया था अभी, अगर आप लोग देखो यहाँ पर अगर चेंज करने आए, ठीक है ना, यहाँ पे आप ये चेंज करते रह जाओगे। आप ये फॉर्मूला है, ये देख लेना, ठीक है। 210 यूनिट उसका फॉर्मूला क्या हुआ, 210 यूनिट साइन वैक्स 10 प्लस टेन एक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होता है, 310 एक्स की वैल्यू होगी जब आपको ये दे रखा। भाई ये देखते ही समझ आ गया, सीधे सीधे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ठीक है ना। वैसे तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में कैलकुलेशन खुद ही मेंटल कैलकुलेशन चाहिए होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पता चलेगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 180 बोल रहा है। अब 10 180 आपका बोल रहा है तो आप जानते हो, अगर आपको 1080 की वैल्यू नहीं पता है तो लीव इट, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो ये हो जाएगा साइन 180 है ना अपॉन कॉस 180, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू हमेशा -1 होती है जबकि साइन 80 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, दैट इज 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये मेंटल कैलकुलेशन सवाल है, आपको इसमें से मुश्किल से 15 सेकंड से भी कम लगने चाहिए, दिमागी में होना चाहिए कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चनों का, ठीक है। पेन नहीं लगानी है, जितना ज़्यादा पेन लगाओगे छोटे क्वेश्चनों में उतना आप लोग हानिकारक है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पी एंड क्यू एंड 3 बी द रिस्पेक्टिव द थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP एंड लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस इफ द प्रोडक्ट पी क्यू इज मिनिमम। प्रोडक्ट यहाँ पे बोला है कि कोई प्रोडक्ट है जो क्या है, पी क्यू इज द मिनिमम, ओके फाइन। पी बोला है कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। क्यू कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है। और 3 बी द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, AP के बारे में बोल रहा है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे what इज द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहे हैं कि बताओ वैल्यू क्या है भाई, किसकी, D की वैल्यू बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप कैलकुलेटिव मान सकते हो कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है और जनरल नहीं हो पाएगा। A इज इक्वल टू, अगर मैं P बोलता हूँ, ठीक है सपोज, और जो Q है A प्लस थर्ड टर्म है तो 2D लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म, मतलब A इज इक्वल टू 4D इज इक्वल टू 3, ओके, ठीक है। ये चीज़ें आपको गिवन है और साथ में ये बोला है पी क्यू, पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन मिनिमम है। तो अगर मैं पी क्यू का मिनिमम देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस 2D, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2AD, ओके। तो पी क्यू क्या हो गया यहाँ पे आपका, ये हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे पास और कोई लेना देना यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना, मेरे पास यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं, ओके, ठीक है, ओके। तो मेरे पास अभी एक क्वेश्चन आ गई है जो क्या दे रखी है, PQ इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AD। अब आपके पास दो ऑप्शन है भाई, दो ऑप्शन है, या तो आप अपने जो आपने चीजें सीखी हैं वो अप्लाई करो, और नहीं तो मेरी वाली अप्लाई करो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है क्या है, पी क्यू मिनिमम है, तो मतलब पी क्यू वैल्यू दे रहा है, पी क्यू वैल्यू दे रहा है किस पे दे रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस 2AD पे। और मुझसे पूछा कि मिनिमम बताओ भाई, जो पी क्यू मिनिमम है, तो पी क्यू मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, ये जो वैल्यू देगा, कौन वैल्यू देगा, जो आपका ये वैल्यू देगा, इसी से तो आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि पी क्यू क्या है, मिनिमम है। तो मतलब ये कंडीशन यहाँ पे इसने खुद ही बोला था, प्रोडक्ट मिनिमम होगा तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी डी की। तो वैल्यू डी की आपको यहाँ पे ये दे रखी है 4 वैल्यू, तो आप इस 4 वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू है जिसके लिए पी क्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, है कि नहीं। तो बस आपको जब उसने सब कुछ क्वेश्चन में ही दे रखा है तो आपको इधर उधर फुदकने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, क्या होगा क्या होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि पकड़ना क्या है बस। और यहाँ पे इसने हमको डायरेक्टली ये वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ से मुझे D की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। चलो यहाँ पे से अगर मैं यहाँ पे D की वैल्यू A इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो A की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं D की वैल्यू 3/8 रखता हूँ तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे से आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4 8 2
थ्री माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू थ्री टू जो सिक्स, सिक्स में से गया थ्री, थ्री बाई टू पॉजिटिव का रहा है। नाइन बाई एट करेंगे तो एट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, आठ करेंगे नौ बाई दो, नौ बाई दो इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस तीन बाई दो। फिर कहते हैं यहाँ पे नाइन बाई फोर, तो नाइन बाई फोर रखेंगे नाइन से कटेगा और ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आ गई भाई, तो यहाँ पे चेक कर लो, अब ए इज इक्वल टू वन हुआ तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू व्हेन ए इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस वन रखता हूँ तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और डी की वैल्यू ऑलरेडी आपने वन मानी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे जब आपने डी इज इक्वल टू वन माना, ए की वैल्यू माइनस वन आई, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस टू इंटू माइनस वन इंटू डी की वैल्यू वन, तो कितनी आ रही है, तो माइनस टू प्लस वन, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन आ रही है, ठीक है। वैन डी इज इक्वल टू हमने थ्री बाई एट माना, ए की वैल्यू थ्री बाई पॉजिटिव टू में आई, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, पी की वैल्यू अब रख दो भाई, तो यहाँ पे आप बोलोगे नाइन बाई फोर प्लस टू इंटू थ्री बाई टू इंटू थ्री बाई एट, आई थिंक यही है ना, हाँ टू से टू कटा, तो आप जानते हो ये पॉजिटिविटी में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे करोगे तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, तो मैं इसको लीव कर रहा हूँ क्योंकि मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सबसे छोटा माइनस वन है, तो मैं इसको आगे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अपना दिमाग भी यूज़ करते रहना है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे नाइन बाई एट रखा, नाइन बाई ए की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू आई, मैंने कहा ठीक है, थ्री बाई टू का मतलब नाइन बाई फोर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस मैंने रखा यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू, ए की वैल्यू दे रखी माइनस थ्री बाई टू इंटू डी की वैल्यू दे रखी नाइन बाई एट, यहाँ से टू से टू गया, ठीक है, नातिया सत्ताईस और इसको करेंगे दो अट्ठारह, अट्ठारह में से सत्ताईस गया बचा नाइन माइनस एट, ठीक है, जो वन पॉइंट से कुछ ना कुछ थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको यहाँ समझने में, ठीक है ना, वन पॉइंट से कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर लास्ट में कहते हैं नाइन बाई फोर रखा मैंने, नाइन बाई फोर रखा, ए की वैल्यू माइनस सिक्स, ए की वैल्यू माइनस रखा है छत्तीस आ गया, और छत्तीस में से प्लस टू इंटू माइनस सिक्स इंटू नाइन बाई फोर, तो ये हो जाएगा टू से टू गया और टू से माइनस थ्री गया, नौ तीस सत्ताईस और छत्तीस, ये पॉजिटिव नाइन आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है। तो आप खुद ही बता सकते हो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन दे रहा है, ठीक है ना। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई, पूरी की पूरी चीज़ आपके सामने रखी हुई थी, मैंने कोई मैथमेटिकल चीज़ें नहीं उठाई, ठीक है ना, जो हम चीज़ें सीखते हैं मैंने कुछ नहीं उठाया, मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी के उससे अप्रोच लगाई, क्वेश्चन में से ही अपनी चीज़ें पकड़ी और अपना काम कर लिया, ठीक है ना। ये तो हो गया दोस्तों तरीका, क्या जो मेरा तरीका है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, होप सो आपको समझ आ गया होगा, नाइन बाई एट इज़ द करेक्ट आंसर। और कुछ अगर देखना चाहते हैं कि समझे, वो सोचेंगे थोड़ा लंबा हो रहा है ये मेथड, वैसे मेरे हिसाब से इजी है ये, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम बोला है, ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गई है, जिसमें ए क्या बन रहा है, एक्स के जैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब सपोज कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डी लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं है, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको। अब मैं ये क्या रहा है, एक फंक्शन बन गया, तो फंक्शन के मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, डबल डेरिवेटिव एफ करो, ठीक है, फिर डबल 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 डेरिवेटिव करो, ठीक है, तो डबल जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तब जो आंसर आएगा उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग करके देख लेना, यहाँ पे जो एफ डबल डैश होगा एक्स वो जीरो आ जाएगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे अगर डबल डबल डफ एक्स क्या पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप डी की वैल्यू देखोगे सीधे डायरेक्टली 16 आएगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव जो होगा दोस्तों, पॉजिटिव क्या दिखाता है, डबल डेरिवेटिव में मिनिमा दिखाता है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी क्या होगा, मिनिमा होगा। तो जब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सॉरी ये आपका दिखाया, तो डी की वैल्यू 9 बाई 8 के लिए आपका डबल डेरिवेटिव 16 आ रहा होगा, तो यही आपका क्या होगा, मिनिमा क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्योंकि मिनिमा निकालना है ना, तो मिनिमा कब होगा, जब एफ की पावर 16 होगी, जब 16 दिखा रहा होगा तब डी की वैल्यू 9 बाई 8 आ रही होगी, तो ये होगा किससे, ये आपका फंक्शन ऑफ मिनिमा मैक्सिमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से हो जाएगा। बाकी जो अप्रोच थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट, जिनको मिनिमा मैक्सिमा में भी कन्फ्यूजन होगा उनके लिए मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना।
ये देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर वाई डिवाइड इज ग्रेटर देन जीरो, देन ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, जो मैं बता दिया आपको कि डबल डेरिवेटिव में क्या आ रहा है, 16 के आसपास आएगा समथिंग, ठीक है 16 होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो दैट मिनिमा, और मैक्सिमा के लिए अगर निकालना है तो डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या आपके आने वाले चीज़ों में भी यूज हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ओवरलुक कर देना, और स्टेप क्या किए हैं, कैसे कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो देखो सबसे पहले डबल डेरिव निकालो, जो डिटरमिनेंट आएगा उसका यहाँ पे एफ जीरो के इक्वल है, डी की वैल्यू निकालो यहाँ पे से, बेसिकली आपको डी मिल जाएगा, फिर डबल डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव तो देखो कि वो पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, पुट द जो भी आपको यहाँ से वैल्यू निकलेगी वो इसमें डबल डेरिवेटिव में रख लो, आपको पता चल जाएगा। ओके नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हमेशा से आपको मिलता रहेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे यहाँ पे ये, तो आप लोगों को पता है भाई कि अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, और ऑलरेडी अगर आप 2009 की वीडियो देखी है तो ये कुछ ऐसे बनेगा, x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल चुका है जो सर्कल बनेगा, देखिए ये 2 का क्यूब बन रहा है, ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल चुका है पहली चीज़, सर्कल की इक्वेशन है, इमेजिनरी रूट आ रहे होंगे, ठीक है ना, सर्कल की इक्वेशन बनेगी, सर्कल की इक्वेशन बनेगी, रेडियस कितनी होगी इसकी, 2 होगी, कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 का क्यूब बन रहा है। पहली चीज, द रूट लाई ऑन द सर्कल ऑफ अ यूनिट रेडियस, यहाँ पे यूनिट रेडियस बोल रहा है पहला ऑप्शन, तो भाई यही गलत हो गया, दिस पॉइंट ऑफ द कोलिनियर, आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है भाई ये इस तरह से बनता है इमेजिनरी लाइन पे, ठीक है ना, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, ठीक है ना, आपको पता होगा ओमेगा वाला, ये 1 यहाँ पे, ये 2 यूनिट बन गई इधर, ठीक है, तो ये 2 ओमेगा में चल जाएगा, ये 20 में चल जाएगा, तो ये कभी भी क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं, एक ही पॉइंट में नहीं होता, तो पहला ऑप्शन हमेशा करेक्ट है, ठीक है, देखते ही होना चाहिए अगर आप लोगों को थोड़ा भी क्लियर चीज़ें हैं, ठीक है ना, होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो, ठीक है ना। अब देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपने आप में कर रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है ना, मैं अपने आप में कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, अगर आप लोगों का हल्का बेस भी क्लियर है, तो आप जी को समझ रहे हो, आप मेरी बातों को पकड़ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पता है ना, जैसे अगर मैं कहता हूँ एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मैं ये कहता हूँ, अगर आपने कभी भी फ्यूचर में ये पढ़ा है ना, तो आपको मेरी बात, ये वाली बात बिल्कुल समझ आ गई होगी, एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब को मैंने सीधे बोल दिया इसकी रेडियस 2 है, और नीचे पढ़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट रेडियस, ये यूनिट रेडियस है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट रेडियस तो है नहीं, रेडियस तो 2 यूनिट की है ना, तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ये नॉन कोलिनियर रहते हैं, ये आप सभी को पता होगा, आपने सर्कल में देखा भी होगा कि कोलिनियर बनेगा, तो यहाँ पे नॉन कोलिनियर, जो कि बिल्कुल सही है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, देखते ही मेरा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से पेपर करना है, आप लोगों को अपना बेस थोड़ा सा मजबूत करना है, और बाकी क्यूब रूट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं लिख के लेके आया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने बोला ना पीछे, देखो मैंने क्या बोला, वहाँ पे जेड की जगह मैं एक्स रख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 8 लिखा हुआ था इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 2 होगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ऑफ 0, इसकी वजह से तो हम बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 होगी, और इसकी वजह से हम जो बोलते हैं ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब बनता है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये बनता है। ओके, किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ पे बनेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इस वाली इक्वेशन जो कि इमेजिनरी बनते हैं, तो यहाँ पे इस वाले एक्स वाले 2 से सीधे मुझे पता है रेडियस बन गई 2, ठीक है, क्योंकि आपका जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, आपने x इजिकल टू 2 बोला ना, यहाँ पे x इजिकल टू 2 ये पूरी यूनिट, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 2 यूनिट, तो रेडियस कितनी हो गई, 2 यूनिट, ठीक है। तो अब लोग, अब मैं आप लोगों के लिए ये लिख के इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जरूर ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा एनडी के पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, जब जेड क्यूब था ना, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, या फिर ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है ना, तो आपका 1, ये आपका ओमेगा, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये ओमेगा, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो कभी भी आपसे पूछेगा ओमेगा की वैल्यू, तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, ओमेगा स्क्वायर की पूछेगा माइनस 1 माइनस रूट 3 बाई 2। अब जैसे यहाँ पे 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है।
तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ओमेगा क्यूब होता है वो वन होता है। ओमेगा क्यूब क्या होता है? वन होता है। फिर आपने बोला ओमेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू जीरो, ये वाली बात ध्यान में रखनी है, ये बात ध्यान में रखनी है और ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके ध्यान में होनी चाहिए। और जो सर्कल वाली इक्वेशन है ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर साथ में जो ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है किस तरह से जीरो है, ठीक है ना, वन इक्वल टू जीरो किस तरह से आप देखना। तीसरी चीज ओमेगा क्यूब इजिकल टू वन कैसे है, ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर ये भी चीज़ देख लेना कि इनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उमन वाना ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, इसका ओमेगा ओपा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। तो जो जो बातें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है ना, ये अपनी किताब में कहीं ना कहीं पे लिख लो, ठीक है, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। जो जो हाईलाइट किया है मैंने सब चेप दो, ठीक है ना, जो जो हाईलाइट किया है वो सब चेप दो। ये एक्सप्लेनेशन तो आपको देखना होगा, देख लेना, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख लेना, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड ये आपका जेड, ये कौन से उसमें है, देखो यहाँ पे क्या है, ये हाफ में है, ठीक है, यहाँ पे अब आप हाफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो कुछ चीजें जो आपके लिए यहाँ पे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका सर्कल बनता है इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। पहली चीज आप देख लेना, ये कैसा ट्रायंगल बनता है, जो ये ट्रायंगल बनता है ना, जो भी ट्रायंगल बनेगा आपका, ये हमेशा क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, पहली चीज इसको ध्यान में रख लेना, ओके। यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या करते हैं, हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। दूसरा चीज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म आर जीपी, जो भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो क्या होते हैं, जीपी में बनाते हैं, ठीक है। और ये आपने पढ़ लिया, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू जीरो, ओमेगा क्यूब इजिकल टू वन ऑलरेडी पढ़ चुके, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ऊपर, मतलब ओमेगा का स्क्वायर हमेशा ओमेगा स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, जबकि ओमेगा का स्क्वायर वो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इसको यहाँ पे ब्रोक कर लेते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ओमेगा डब्ल्यू की पावर फोर होगी तो क्या लिखते हो, डब्ल्यू थ्री इंटू डब्ल्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाली वीडियोस में आएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है ना, इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार कमेंट कर दे कि अपने आप में कर रहा है, अपने आप में करूँगा दोस्तों, तो वो क्योंकि मेरे बेस क्लियर है, ठीक है ना, इस चीज़ वजह से। डिवाइड इट इन थ्री इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये जेड इजिकल टू वन अगर कहीं पर दिखता है तो ये क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जेड इजिकल टू वन, जिसकी वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी रेडियस। यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे करूँ टू लिख दूँ तो क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। ये यूलर्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, देखना होगा तो देख लीजिएगा, अभी मैं हम वो पढ़ रहे हैं, सेम डिट्टो चीज वही लिखी है जो ऊपर लिखी है, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो जो हाईलाइट किया है वो बातें ध्यान में जरूर रख लेना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, लेट द इक्वेशन, यहाँ पे sec x दिया है, cos x दिया है, इक्वल टू p दिया है। भाई अगर आपको कन्फ्यूजन होगा किसमें, sec x, cos x, इन चीज़ों में कई बार बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग साइन और cos के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है साइन cos वगैरह में, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, साइन cos में चेंज कर लो। तो जैसे ही मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इजिकल टू पी, कोई दिक्कत आप लोगों को। अब मैं इसको यहाँ पे अगर टू दे देता हूँ, ये टू दे देता हूँ, कोई दिक्कत, तो टू अपॉन ये आ जाएगा आपका साइन, टू एक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया और इजिकल टू पी, ठीक है भाई। तो अब ये मेरे को मिल गया, अब इसने बोला कि क्या करना है हमें, यहाँ तक हमने देख लिया जो इक्वेशन, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, वट शुड बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी, भाई पी की स्मॉलेस्ट वैल्यू की अब क्या होगी, जब पी की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई साइन टू एक्स है, तो साइन टू एक्स जब मैक्सिमम होगा मेरे भाई, है ना, तब पी क्या होगा, मिनिमम, और साइन टू एक्स क्या होता है, मैक्सिमम, साइन मैक्सिमम कब होता है, जब पॉजिटिव वन देगा वैल्यू, है ना, जब साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा तब ये मिनिमम होगा, और जब मिनिमम यहाँ पे अगर ये नीचे वाला पॉजिटिव वन वैल्यू देगा तो टू ही तो बचा, तो टू क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें आप लोग हर कोई बंदा एनडीए के पेपर में मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 50 क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, ठीक है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब इसमें पूछा इसने मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा। पहली चीज आप क्या करो, या तो आप ऑप्शन उठा के पकड़ लो, है ना, जो हमने पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में किया था कि आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू देनी है तो जल्दी से जल्दी कर लो। 90 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन की 1, और यहाँ पे 90 की 1, लेकिन 90 में कितना हो जाएगा, कितना कॉस क्या हो जाएगा, 0। जो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + = 1 आ जाएगी, तो इसमें तो 1 वैल्यू देगा। इसमें कितनी वैल्यू देगा, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 + √3/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 = √3/2 + √3/4। ठीक है, अब मैं इसको 4 बना दूंगा सपोज, तो यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3√3/4, अप्रॉक्सीमेटली 3 × 1.732/4। ठीक है, तो 5 1 पॉइंट कुछ ज़्यादा आ रही होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इसकी वैल्यू 3 + 3 = 21, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, और जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग जाएगा। ठीक है ना, अब मल्टीप्लीकेशन भी करना आपको सिखा दूंगा। अगर फो यहाँ पे करूँ मैं, तो ये कितना हो जाता है आपका 45, ये 45 में बोल रहे हैं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 + 1/√2 × 1/√2, एंड दिस बिकम 1/√2 + 1/2। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू दैट इज 1/1.414, दैट इज, जबकि ये कितना हो जाएगा, एक से भी छोटा हो जाएगा, 0.5, इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 1 से भी कम रहेगी। ठीक है, तीसरी चीज़ अगर मैं देखना चाहूँ, तो मैं क्या देखना चाह सकता हूँ, क्या 5/6 दैट इज 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, जो कि शायद ऊपर वाला कहाँ से कौन से वाला ऑप्शन था, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1/2। ठीक है, एंड दिस प्लस √3/4, अभी इसको मैं फॉर्मूला 2 करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 1.732, अब आप देख पा रहे होंगे ये 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 3.372, जो 4 से छोटा है, और 4 से छोटे होने का मतलब है 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो आप आंसर सीधे डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कौन सा हो पा रहा है, ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग। जो ऑप्शन से अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, तभी भी आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो सामने सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेटिव हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, आप लोगों को अगर लग रहा है ऐसा, ठीक है ना, मैं आपको बेस्ट अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये लंबा हो रहा है, ठीक है ना, इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा, देखो अगर आपने मेंटली कैलकुलेशन नंबर के साथ अच्छी तरीके से काम किया तो आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लोग नंबर के साथ थोड़े से वीक हैं तब थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अब क्या करें, हम क्या कर लेते हैं, मैं साइन थीटा यहाँ पे से कॉम ले लेता हूँ, 1 + cos θ ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी हुई है, यहाँ पे तक हम आ गए हैं। अब इसने बोला मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा ये देखना है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाली चीज़ देखें, इंटरवल देखें, भाई जो थीटा है वो 0 से लेकर 90 के बीच में रह सकता, पहला तो ऑप्शन डिलीट हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, अब आपके दिमाग में दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और ये आपका 60 डिग्री हो गया। तो आप सीधे सीधे साइन थीटा में रख सकते हो, अगर आप रखना चाहते हो वैल्यू, तो आप लोग जाके वैल्यू रख लेना, आपको 5/3 ही मिलेगा। ठीक है, और दूसरे अगर और चीज़ करना चाहते हो, फिर से वही मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू करना चाहते हो, तो फिर से क्या करो, लगा दो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, घूमते रहो। तो ये आप लोगों के ऊपर, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। जो मेरा बेस्ट वे था, मैं कैसे करता, तो मैं सबसे पहले, मैं पहला वाला मेथड नहीं लगाता, मैं ये वाला मेथड लगा लेता, इसको करता, फिर यहाँ पे 30, 60 और 45 की वैल्यू लगाता, जिससे मुझे दिखता कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम दे रहा है, तो वही मेरा आंसर होता। ठीक है ना, यहाँ पे पाई बाई टू नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंटरवल में थीटा की वैल्यू दे दी है कि थीटा वैल्यू पाई बाई टू से छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द सेट्स। ठीक है, द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो सपोज मैं मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, 3 सेट हैं, ए बी सी, तो वो बोल रहा है कि ए यूनियन जो होगा इंटरसेक्शन ओवर द सेट इज ऑलवेज क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बिल्कुल सही है भाई, ए यूनियन बी हो जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में, पहला ऑप्शन ट्रू हो गया। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनियन,
सेट इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही है भाई, अगर ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट दोगे तो क्या होगा, ए का इंटर कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। डी मॉर्गन लॉ है ये, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ है, आप लोगों को थोड़ा याद होना चाहिए, बाकी आप बना सकते हो, ठीक है ना। जब आप वहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे ना तो आपको खुद चीज़ें याद आ जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने ये चीज़ें अपनी मैथमेटिक्स सी बी एस सी 12th क्लास में कहीं ना कहीं यूज़ की हुई है। तो डरना नहीं कि ये क्या लिखा यार, डिस्ट्रीब्यूटिव तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो लिखी हुई है लाइन उसको कोशिश करो बनाने की फिर, ठीक है ना, वहाँ पे सब याद आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पे दिया है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन सेट मस्ट बी इक्वल। अच्छा चलो ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो ए और बी है दो सेट है वो क्या है, इक्वल टू एम्प्टी सेट के बराबर है। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि अगर दो सेट आपस में एम्प्टी हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी है, जो कि ट्रू है क्या, नहीं है भाई, ए इज इक्वल टू ट्रू नहीं हो सकता है। जैसे अब मैं सपोज मैं मान लेता हूँ मेरे पे ए क्या है भाई, वन एंड टू है, ठीक है, और बी कितना है मेरे पे, थ्री एंड फोर है। अब मैंने कहा भाई माइनस कर दो ए माइनस बी, तो आप बोलोगे कि ए माइनस बी तो यहाँ पे फाइव है, मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन क्या यहाँ पे ए और बी इक्वल है, नहीं है। तो जब ए और बी इक्वल नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, वन एंड टू ओनली। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक बार रिकॉल कराने के लिए मैंने यहाँ पे ही दे दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये हरे और दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमको क्या पूछा गया था, ए यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन में दिया गया था, हमको यूनियन में पूछा था, हमने यूनियन में ये मैंने आपको बता दिया, इंटरसेक्शन में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ये क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ का कि ए यूनियन आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इंटरसेक्शन में करोगे तो यूनियन आ जाएगा, ठीक है ना। होप सो आपको बात समझ आ गई होगी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बोला कंसीडर द थ्री सेट एक्स वाई जेड हैविंग सिक्स फाइव एंड फोर एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि भाई एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, छः एलिमेंट है, ये तो बोल रहे, और वाई के अंदर कितने, फाइव एलिमेंट है, जेड के अंदर फोर एलिमेंट है, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। वैसे आप लिखते तो ऐसे हैं, ठीक है ना, ये फाइव हो गया, एन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू फोर हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपके अप्रोच को वो करने आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 15 हो गए हैं, ये बोल रहे हैं 15 एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट, मतलब 15 के 15 आपस में क्या है, अलग है भाई। लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जेड, हाउ मैनी प्रॉपर सबसेट, भाई प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है आपसे, ऑफ एस हैविंग, एस के कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। मेरे भैया एक चीज समझो, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n - 2 की पावर कुछ भी हो उसमें से एक कम होना चाहिए। तो क्या 256 हो सकता है, नहीं। क्या 1024 हो सकता है, नहीं। 2 की पावर 10 होता है 1024, ठीक है ना, और 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 होता है ये, ठीक है ना, डायरेक्टली 256। तो मतलब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब या तो बच्चा 2 की पावर 8 - 7, मतलब 2 की पावर 8 - 1, या फिर 2 की पावर 10 - 1, इन दोनों में से कोई आंसर है। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको 250, सपोज यहाँ पे 256 ना देखे, कुछ और देता, चेंज कर देता, तो आप डायरेक्टली हिट मार सकते हो, क्योंकि उसने प्रॉपर सबसेट बोला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में ध्यान दो, ठीक है ना, चीज़ों को ध्यान दो कि आपके आसपास वाली चीज़ें क्या है। ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा कूद पड़े और पता नहीं क्या क्या लगे पड़े हो उसमें, ठीक है ना। बिल्कुल काम रहना है हमेशा, काम माइंडेड, आपके एसएसबी में भी हेल्प करेगा, बी ऑलवेज काम, ओके। तो अब चलो आप देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये भाई। देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कहाँ गया, ओके, एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, तो भाई अगर एक्स माइनस वाई है ना, ठीक है, तो किसके एलिमेंट बचेंगे, ठीक है ना, x माइनस वाई बोला है, x माइनस वाई बोला है, तो भाई अब जब y डिस्टिंक्ट है, x डिस्टिंक्ट है, तो जब y के अंदर जो एलिमेंट होंगे, x के अंदर जो एलिमेंट होंगे, आपस में कुछ मतलब ही नहीं है, 5-5 डिलीट होगा, तो इसका मतलब है जो बचेगा वो कौन बचेगा, x बचेगा। फिर हमने बोला इसके पीछे हमने यूनियन कर दिया और z लगा दिया, तो x के अंदर थे 6 एलिमेंट और y के अंदर, z के अंदर थे आपके 4 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 10 एलिमेंट हो गए। तो s कंटेन के s के अंदर कितने हो गए, 10 एलिमेंट हो गए, और s के अंदर 10 एलिमेंट हो गए, तो प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, 1 1023,
हो जाएंगे, ठीक है? तो आंसर सी हो जाएगा। होप्स आपको मेरी बात समझ आई हो, नहीं आई तो बिल्कुल कमेंट करना, और आपको इंस्टाग्राम आईडी दे रही है, अगर आप किसी टॉपिक में चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है ना, कि क्या क्या आप किस किस तरह से अप्रोच रख सकते हो उस चैप्टर में, ठीक है? तो ये आपके होते हैं नंबर ऑफ सेट, क्या होते हैं नंबर ऑफ सेट की पावर 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर n। अगर हम प्रॉपर सबसेट बोले, तो 2 की पावर n-1। अच्छा यार, कभी कभी ना लोग कंफ्यूज जाते हैं, एक तो सबसेट से, ठीक है, और एक प्रॉपर सबसेट से। भाई प्रॉपर सबसेट में ना, जैसे सपोज मैं कह देता हूँ ए है मेरे पास, इसके मैंने कहा इवन टू है, ठीक है, तो टोटल 2 एलिमेंट है, तो मैंने कहा सबसेट कितने बनेंगे, तो आपने बोला 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है, मैंने कहा ओके। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होगा ना, आप बोलोगे 2 की पावर 2-1 = 3 बनेंगे, क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर सबसेट में कभी भी हम जो a = जो एक सेट ये बनेगा ना, एक सेट बनेगा इसका सेट a अपने आप में खुद का सबसेट हो ना, a अपने आप में खुद का ही क्या है, सबसेट है, तो ये कंसीडर नहीं करते हैं। जो इक्वल होगा, ऐसा समझे जो इक्वल वाला होगा वो हम नहीं देते हैं प्रॉपर सबसेट में, इसलिए हम कोई माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है। भाई क्या रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड, ऑल रिलेशन आर फंक्शन, पहला ऑप्शन गलत, सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द इमेज एंड प्री इमेजेस, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी है, इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, बिल्कुल, जो भाई रिलेशन होगा, अगर कोई ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, ए से बी का कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए इंटू बी का, ठीक है ना, ए इंटू बी का क्या होगा, रिलेशन होगा, जो कि दो ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है रिलेशन ए इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर से यही बात है कि अगर ए से ए का भी बन रहा है तो तभी भी क्या होगा, सबसेट होगा, दो 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस ऑल रिलेशन ये वाली बात गलत हो गई, सारे फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ये ट्रू है कि सारे फंक्शंस रिलेशन होंगे, लेकिन सारे रिलेशंस फंक्शन हो जाएं, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लॉगरिथम में, लॉगरिथम का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, log 10 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई log 2 10। भाई कभी भी अगर आपको इस तरह के दिख जाए तो इसका मतलब कितनी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, ठीक है, और 1+ ये आ जाएगा आपका, ओके, एक्स आ जाएगा भार, एंड log 10 to the base 10 = 2 दे रखा है, ये 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2-1, x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या किया मैंने, भाई मैंने ये क्या है, देखो यहाँ पे बेस 10 है और इसका वो कितना है, 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस 2 है और 10 है, तो जब भी इसको इस तरह से, इस जो इनमें से क्या होगा ना दोस्तों, अगर इस तरह से रिसिप्रोकल दिख रहा है आपको, इस वाले को अगर ऐसे दिख रहा है log m और n है, तो मैं चाहूँ तो इसको चेंज करके इस तरह से रख सकता हूँ log n into m। अब इस वाले में देखो, जब इसका बेस चेंज होगा आपस में कट जाएंगे और बचेगा 1, तो मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पता है कि x बाहर आ जाएगा, log 10 होगी, इतने तो आपने बेसिक पढ़ ही लिया होगा एन डी की तैयारी करते हुए, ठीक है ना। तो जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आप लोगों के लिए अभी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं, नीचे वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं, कॉस वाला, ठीक है, चलो चलो एक बार दिखाई देता हूँ, ये थोड़ी सी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये नेगेटिव लिखा है, ये चीज़ें चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, ये लिखा हुआ जो ये देखो, ये मैंने बेस चेंज किया था ना, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, ठीक है, कोई दिक्कत, और दूसरा ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब चलते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था वो कंप्लीट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोगों के लगभग, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में चलने की कोशिश करोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी और आपसे क्वेश्चन होगा भी नहीं, ठीक है ना, होगा, कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे तो वो अपना टाइम कंज्यूम करेगा, बट एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो भी आपके 3 मिनट से लेकर 4 मिनट तो ले ही लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। भाई आपको बोला है ए ट्राइंगल है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल,
एबीसी ट्रायंगल है, तो ए बी आपको पता है कि सारे एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ जो हम ले रहे हैं ये एंगल ही तो है दोस्तों, ए बी सी क्या है, एंगल ही है। तो सपोज अब मेरे हाथ में, आप लोगों ने अगर मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि जब यहाँ पे इन्होंने ए बी सी बोला है 180 डिग्री है ना, तो मैं क्या करूँगा, जब अगर 180 डिग्री है, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये 180 डिग्री है तो इट इज़ टोटली क्या है मेरे हाथ में कि मैं इसको किस वे में लेना चाहूँ। तो सपोज अगर मैं लेना चाहूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि मैं सी की वैल्यू, ठीक है, मेरे हाथ में है दोस्तों, ठीक है, 180, तो मैं वो लेने की कोशिश करता हूँ जो मुझे पता है, जो जिनकी वैल्यू मुझे पता है, मैं 30 ले लेता हूँ सपोज, ठीक है, मैंने 30 ले ली। तो यहाँ पे अगर सी इज इक्वल टू 30 है, तो अब इस वाले इक्वेशन में आ जाओ भाई, ठीक है, थी मैंने कहा बी 60 है, 30 और ए की वैल्यू मैंने 90 लग दी, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 180 बनाना है मुझे, तो मैंने बना लिया, जो मोस्ट कॉमनली स्टैंडर्ड होते हैं मैंने वही उठा के एक बार चेक कर लिया दिमाग में, ठीक है, मैंने कहा ये 30 ले लेता, 30 इज इक्वल टू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, कोई दिक्कत मैंने कहा नहीं। फिर आते हैं यहाँ पे, आपने कहा 60, तो कॉस 120 90 प्लस 30 दैट इज साइन 30, और साइन बन जाएगा -1/3 1/2, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है। फिर आता है कॉस यहाँ पे ए, ए की वैल्यू टू 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 और इज इक्वल टू -1, भैया आपस में देखो इक्वल हो गया, तो जो इसका मतलब है, जो मैंने वैल्यू ली थी सी इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 60, ए इज इक्वल टू नहीं 9, क्या बन रही है, एक क्या कर रही है, आपस में खुद को इक्वल कर रही है, दैट मीन जो मैंने सोचा था वो एटलीस्ट वो कंडीशन तो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन क्या ये जो क्वेश्चन में वो भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ अब यहाँ तो मुझे पता चल गया ना कि आपने सी ए बी की जो वैल्यू निकाली वो जो इक्वेशन गिवन है वो तो सेटिस्फाई करेगी, लेकिन ऑप्शन भी तो है, तो यहाँ पे भी चेक करेंगे। पहला ऑप्शन तो मुझे साफ पता है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब साइन 60 30 90 में सब पॉजिटिव होंगे और इक्विवेलेंट जीरो कभी हो नहीं सकता। फिर साइन ए कॉस 190 पे 1 हो जाएगा, बी पे 1/2 हो जाएगा, कॉस 60 वैल्यू कॉस उसकी 30 ये कभी भी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, मुझे देखते ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉस ए जो मैंने 90 माना है दोस्तों, ये जीरो हो सकता है और नीचे वाला ऑप्शन भी जीरो हो सकता है। अब आप बोलोगे यार ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इन दोनों अब तो फंस गया, जो सर ने बोला मैंने बोला, सर बोलो भैया बोलो आई डोंट नो, ठीक है ना, तो जो मैंने बोला कि मैंने मान दी ए की वैल्यू 90 मान दी, बी की वैल्यू 60 मान दी, ये तो यहाँ पे गलत प्रूफ हो रही है। आप सीधे बोलोगे कि यार यहाँ पे तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब दो ऑप्शन तो आ गए दोस्तों, ठीक है, आपने बोला दो ऑप्शन आ गए, अब तो अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, आपने ये जो वैल्यू मानी है ना, यहाँ पे देखो कॉस ए ही तो दिक्कत कर रहा है, फिर आपने जब दूसरा देखा यहाँ साइन भी आ गया, यहाँ कॉस भी आ गया, तो मुझे पता है ये साइन भी कॉस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या कर लेता हूँ, ए को आप 60 डिग्री देता हूँ, भाई वैल्यू सेटिस, इसको आगे करो पीछे करो, ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आप सी को 90 मान लो, मैटर ही नहीं करेगा, तो मैं बी को क्या कर लेता हूँ, बी को 90 दे देता हूँ, सी को ए को 60 दे देता हूँ, सी को 30 देता हूँ, बनेगा तो 180 डिग्री ना, बस मैं आगे पीछे किसी को भी दे दूँ। तो जैसे ही आप बी को 90 दोगे, तो यहाँ पे तो बी है ही नहीं भैया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और लास्ट में आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, बस उसी तरह से आप तोड़ना मरोड़ा सीखो, ये तोड़ना मरोड़ा मेरे जैसे तब सीखोगे जब आप मेरे जैसे क्या करोगे, घर में जाके बैठ के प्रैक्टिस करोगे इस तरह से सोचने की, तभी आपके हैबिट में ये आ पाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्या हो रहा है, क्योंकि आप जो बचपन से जो पढ़ते हुए आ रहे हो ना, उसको बहुत मुश्किल होता है एकदम से छोड़ना, ठीक है ना, आपका दिमाग, लेकिन कोशिश करनी है इस तरह से सोचने की। फिर आता है नेक्स्ट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, बोला इसकी वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ऑलरेडी अगर आप लोग वीडियो देख चुके हो 2009 के, तो आपको पता होगा मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ, मैं ए की वैल्यू मैंने 45 रख दी और बी की वैल्यू मैंने 90 रख दी, मुझे मतलब नहीं है। तो जब नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा कॉस सी, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 -1 एंड कॉस सी, कोई दिक्कत, ठीक है, मैंने कहा कि बाद में देख लेंगे, ठीक है, आगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, 0 का +-1 = +1 -1 या जगह कॉस सी, फिर आएगा -1 का रखेंगे, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा ये, ठीक है, तो कॉस सी और ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, तो कुछ लेने देने नहीं है, डिटरमिनेंट डायरेक्टली वैल्यू 0 दे रहा है, तो 0 इज द करेक्ट आंसर। और दूसरा यहाँ पे एक क्या है आपका कॉलम भी 0 बन रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अगर यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज होती तब मैं जाके इन ऑप्शंस में देख लेता, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13,
सपोज ए कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है भाई 250 नंबर है, तो पहला नंबर होगा ए में जो है वो कितने हैं, 250 नंबर है, तो ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, और दूसरा कितना आएगा 6, तीसरा 9 एंड अप टू सो ऑन 250। तो भाई अगर मैं बात करूँ एन ए में कितने नंबर होंगे तो आप बोलोगे 250, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा बी कंसिस्ट द फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर, तो बी में इवन नेचुरल नंबर है 2, 4, 6, 8, सो ऑन, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 200। अच्छा 200 है ना, तो ये 400 रहेगा क्योंकि दो का मल्टीपल होंगे ना, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो आप बोलोगे 200। फिर ये बोला कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए यूनियन बी आप जानते हो जो कॉमन होंगे उनको दोबारा नहीं लिखना, बाकी तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। तो सीधे सिंपल क्या करेंगे हम दोस्तों, इसमें देखो सबसे पहला एलिमेंट ए यूनियन बी में क्या मिलना चाहिए, ठीक है, ए यूनियन बी में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा मिलेगा, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, तो 6 बनेगा। दूसरा मिलेगा 12, तो इसका मतलब है जो 6 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल होगा। अब 6 का मल्टीपल कहाँ तक ढूंढना है, 400 तक ढूंढना है भाई, तो 400 क्या मल्टीपल है 6 का, क्योंकि बी में तो 400 ही है ना, फिर आगे ए में कितने एलिमेंट है हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, ए और यूनियन बी चाहिए भाई, ठीक है ना। पहले हमको बस ये चाहिए कि अभी ए यूनियन मतलब जो इन दोनों में कॉमन है वो हटाने हैं हमको, ठीक है ना, बेसिकली इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 6, 12 और लास्ट में कितना आ जाएगा 400, 400 से कम होगा कुछ, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है ओके, तो आप हम क्या करेंगे, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हटाने के लिए हमने क्या किया, अब हम 400 के ऊपर चलेंगे। तो इसके लिए इस किस तरह से करते हैं, इसका मतलब है हम 400 से 400 को 600 डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6 6 36 एंड 6 6 36, मतलब 66 एलिमेंट ऐसे होंगे, ठीक है ना, 66 नंबर एलिमेंट ऐसे होंगे जो कॉमन आ रहे होंगे, मतलब 400 तक, जो 6 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो अब बोल रहा है ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी बोल रहा है, तो ए यूनियन बी में क्या है, जोड़ दो भाई, 250 एलिमेंट प्लस 200 एलिमेंट और माइनस 66 एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 66 इज इक्वल टू 384 इज द करेक्ट आंसर। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई होगी हमने क्या किया, नहीं किया कमेंट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर, और क्या समझ नहीं आया वो कमेंट कर देना, आप लोगों को मैं दोबारा से वीडियो बना के अगली वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एस के डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन ए पी, ए पी के फर्स्ट के टर्म्स हैं, और आपसे पूछा कि बताओ क्या है। अब आधे लोग सोचेंगे क्या है भैया, ना इसने हमको कुछ क्यूब बोला, ना ऑड बोला, ना इवन बोला, ना कुछ बोला, भाई जब कुछ बोला ही नहीं तो आपके हाथ में, तो मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल नंबर पता है ना, मैं नेचुरल नंबर बोल देता हूँ, और आप एस एन ऑफ नेचुरल नंबर जानते हो, एन एन प्लस वन बाई वाई बाई टू, जब कुछ बोला ही नहीं है तो क्या, कुछ भी ले लो, है ना, चाहे तो आप जो करना चाहो वो कर लो। अब इसने एस थर्टी बोला है, तो एस थर्टी हम नेचुरल नंबर मान के जाते हैं कि जो पूरी सीरीज थी ए पी में वो क्या नेचुरल नंबर की है, ठीक है। तो 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2, किसी को कोई दिक्कत भाई, 2 से 2, 2 से 2 कट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30 3 1 3 3 9 930 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका 2 1 2 2 2 4 420 माइनस 110, ये आ गया आपका 310 नीचे और 930 ऊपर, और इसका मतलब है 3, तो आंसर है 3, ठीक है ना। जहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना वहाँ पे आप अपने हिसाब से सोचने की कोशिश करो दोस्तों, के क्या करने की सोच करो, अपने हिसाब से सोचने की कोशिश करो, ठीक है, अपने हिसाब से चीज़ें लेने की कोशिश करो, ऐसे कन्फ्यूज़ नहीं कर दो अब क्या करना है, जहाँ पे आपने सोचा अब क्या करना है वहाँ पे आपका फिर लग गए अच्छे से, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, जहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना वहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करना सीखो, जहाँ पे आप अपने हिसाब से मोल्ड करना सीख गए वहाँ पे चीज़ें सीख ली, फिर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। 15 क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगर ये 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू दिस और आपसे डिफर बाय यूनिटी, जो रूट्स हैं मतलब अल्फा और बीटा के बीच में गैप किसका, यूनिटी का गैप है, अल्फा में बीटा माइनस इक्वल टू 1, देन विच द वैल्यू ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू बतानी है आपको कि के क्या होगा। आप देखो भाई सबसे पहली चीज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी बाई बी इज इक्वल टू 5 1 प्लस के डिवाइडेड बाई 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज 5 के डिवाइडेड बाई 4। ओके जेंटलमैन, तो अब क्या करना है यहाँ पे आपको,
अब आपको देखो भाई यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, वन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये आप चाहो तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल निकाल के लंबा कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है, या लंबा कैलकुलेशन करते रहो, ओके ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको कितना लंबा ले जाना चाहते हो, उतना लंबा ही जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ से आप ले जाओगे क्वाड्रेट, पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर जाके आप लास्ट में बोलोगे कि ये इसके आंसर पॉसिबल आंसर है, ठीक है। और दूसरा तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे इसने सीधे देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू वन बोली है, ठीक है ना, कि इसका मतलब है अल्फा माइनस जो बीटा है वो वन के गैप में, जबकि हम जानते हैं कि अल्फा बीटा जो होता है ना दोस्तों, अगर अल्फा माइनस बीटा है तो आप जानते हो कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा करूंगा तो ये आ जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा का रूट। भाई बात समझ आ गई आपको। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे वन रखूँ तो इस वाले इक्वेशन की जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ये अगर वन आ जाता है तो वही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको। पहले इक्वेशन में देखते हैं, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये भाई अगर मैं इसको ट्रेडिशनल वे में ले जाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5k+1 54 स्क्वायर समथिंग 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 माइनस फोर अल्फा, के के में घूमता रहेगा, के में घूमता रहेगा, लास्ट में तब जाके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। चाहते आप जो मैं बोल रहा हूँ वो लोग आप घर में बैठ के सॉल्व कर लेना, फिर बाद में मुझे बताना कि कितना आपको लंबा लगा कि नहीं लगा, अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कल पेन की कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमने कहाँ से अपना चीज़ें चेंज किया। देखो अब यहाँ पे मेरे पास फिर से चार ऑप्शन आ गए, ठीक है, इसलिए मुझे ऑप्शन दिए तो मैं ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। भाई के की वैल्यू उन चारों में से तो एक होगी, होगी कि नहीं होगी, मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन भाई बहुत ज़्यादा क्विक होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि आप थोड़ा सा वीक हो जाओ। तो सपोज के की वैल्यू अगर मैं मान के चलता कि -3 होती, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, या फिर आपको -3 थोड़ा लंबा लग रहा है तो -1, भाई चेक तो करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, कि के की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो यहाँ पे ये वन को सेटिस्फाई कर दे, ये ढूंढना है हमें, ठीक है ना। तो अगर के की वैल्यू -3 होती दोस्तों तो आप कहते कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 यहाँ कितना हो जाएगा, -15+1 -14, -14/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाली कंडीशन में कितना होता, -15/4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रख दो इस, अब इसमें देखो तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा 14 का जो स्क्वायर होता है 196 और 4 4 जा 16, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को। फिर मैं कहता हूँ माइनस यहाँ पे आ जाएगा 15 और 15 चक्कू चाहे तो आप इसको क्या कर दो, 4 से 4 कट गया सपोज, ठीक है, -15 क्या हो गया, ऐड हो गया, तो 15 6 कितना हो जाएगा बताओ। तो यह आ जाएगा आपका दोस्तों, मैं अगर आप सीधे सीधे इसको कंपो करूँ तो चाहे जितना भी हो, चलो अगर मैं कर लेता हूँ 225 और 15 240, ये 240 हो गया, ठीक है, और 216 और प्लस 196 ऐड कर दो, क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 के इक्विवेलेंट आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग कर भी लोगे ना इसको तो ये कितना आ जाएगा, देखो 300 और 400 समथिंग आपका 60 आ जाएगा ना, ये चलो मैं 60 जोड़ देता हूँ इसमें, 300 हो गया 400 और बचेगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 16, अगर मैं 16 से भी डिवाइड करूं तो 16 16 16 जो 256 होता है भाई, ठीक है ना, तो 200 से ऊपर जाएगा, तो 400 ऊपर ही आएगा, देखो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, तो क्या वन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप लोग खुद दिमाग लड़ाना, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ, जो देखो मैं कैलकुलेशन कितनी तेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन फेल हो गया भाई, ठीक है, नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखता हूँ, अगर मैं दूसरा ऑप्शन कहता हूँ कि भाई चलो के की वैल्यू -1 मान के चलते हैं कि के की वैल्यू -1 रही होगी, तो यहाँ पे अगर के की वैल्यू माइनस रही होगी तो -5+1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे आ जाएगा -1, कुछ लग रहा है, चलो ठीक है, 5 की वैल्यू आ जाएगी, मैंने -1 मानिया, -5 डिवाइडेड बाई 4, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, चलो आप चलते हैं। अब वापस मैंने रखा यहाँ पे अल्फा बीटा की स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने -1, तो ये आ जाएगा +1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, -4 से 4 कट और 5 का पॉजिटिव हो गया, देखो भाई √6 आ गया, तो क्या √6=1 है, तो दूसरा ऑप्शन भी फेल हो गया, ठीक है, तो मैंने इसको भी हटा दिया।
मैंने कहा, अब मैंने क्या कहा भाई, चलो ठीक है ये ऑप्शन भी फेल हो गया। मैंने कहा चलो तीसरा ऑप्शन में चलते हैं जरा जल्दी से, ठीक है। तो मैंने कहा -1/5, -1/5 रखी तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/5 का मतलब है यहाँ पे से -1/5, 5 से 5 कट जाएगा -1 एंड दैट बिकम 0, ये 0 जा रहा है। ओके ठीक है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना चल जाएगा, 0, क्योंकि के की वैल्यू मैंने -5 रखी तो 5 से 5 कटा, -1 से 0 और 0 पॉइंट समथिंग इज ऑलवेज 0, यहाँ पे आ जाएगा -1/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रखा, आपने बोला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, -4 से मटगट्टा और यहाँ पे आ जाएगी -1, ठीक है। क्या ये +1 आ रहा है, क्या मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो कंडीशन भाई अंदर 1 आ गया और √1 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू बैठ रही है भाई। मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका 1/5 होना चाहिए था, ठीक है। और जब आपको मिल गया तो तीसरा चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली मुझे मिल गया है तो आंसर इजी है। अब ये देखो मैंने इतना टाइम लिया है, ठीक है ना। और ये कैलकुलेशन अगर आप नंबर के साथ, मैंने बोला खेलना सीख गए, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा एनडीए का पेपर स्पेशली, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, मतलब 130-140 150 नंबर तक आप आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है ना। ये अप्रोच देख लो। अब आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिलके करना, तो आप लोग बैठ के जरूर ट्राई करना कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठूस के देखना, ठीक है ना। तब आप लोगों को पता चलेगा कितना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़े से ये आप लोगों के लिए रियल रूट के, ठीक है, रियल रूट कब होंगे, डिस्टिंक्ट रूट कब होंगे, स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे दिख रहा है आपको, याद आ गया वो वाला वाली चीज़ याद आ गई आपको, 1 + ω + ω² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दिया हुआ है। चाहे तो आप इसे ओमेगा में कन्वर्ट कर लो अगर आपको करना है, और नहीं करना तो यहाँ पे देखो कि x की पावर 2, अगर x की पावर 1 और 1 होता है तो ये 0 बनता है। इसका मतलब है सबसे छोटा कौन है, x की पावर 99, तो मैं x की पावर 99 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा 1x और x का स्क्वायर, आप जानते हो इसकी वैल्यू 0 है, तो होल इक्वेशन बिकम 0, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं, देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जीपी में, xyrnz जीपी, जीपी का मतलब है वाई स्क्वायर की वैल्यू xz के इक्विवेलेंट है। पहले जो दिमाग में मेरे यही आता है कि जीपी है, ठीक है। तो इसमें से पूछा हुआ कि ये एपी में होना चाहिए, log 3x 3y 3z, ओके फाइन। और तीसरी चीज़ ये पूछी हुई है कि एचपी में होनी चाहिए। एचपी की कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर ABC तीन चीज़ें हैं, तो मैं कहता हूँ कि बी इज इक्वल टू 2ac/A+C, यही होता है ना एचपी का, ठीक है। और AP का क्या हुआ, AP का होता है 2B + 2B = A+C, ठीक है। और अगर GP में देखें तो GP में क्या होता है, GP में हम बोलते थे B² = AC, ओके। तो अब ये चीज़ें जो कॉमन सी चीज़ें जो यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता दी कि ये होता है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अभी रिलेटेड नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जरा सा पढ़ लेते हैं आगे। तो GP बोला कि XYZ GP में है, तो ये इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि लॉग नेचुरल लॉग दे रखा है 3x, नेचुरल लॉग ऑफ 3y और नेचुरल लॉग ऑफ 3z आर इन AP, AP में होगा, ठीक है। अब देखो AP की कंडीशन क्या है, AP की कंडीशन ये है, ये वाली, मतलब 2 लगाओ, ठीक है। अब या तो ये लगाने की कोशिश कर लो, दो तरीके हैं दोस्तों यहाँ पे। पहली वाली चीज़ तो वैसे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि AP में ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 3y, ठीक है, इज इक्वल टू ऑफ ln ऑफ 3x प्लस ऑफ ln ऑफ 3z, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ 3 3 जा 9 xz हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये हो जाएगा तुम्हारा 3y² इज इक्वल टू n, ln से ln हट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9y² इज इक्वल टू 9xz, जो कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर आता है आपका xyz इज इक्वल टू, ये किस में होना चाहिए, HP में होना चाहिए। HP कंडीशन क्या है कि 1/ में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, बनना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लोगे, ठीक है ना। तो मैं रखूँगा तो XYZ, अब ये क्या पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो इस लंबे पढ़ने के लिए क्या करो ना, आप नंबर ले लो, क्या ले लो, नंबर ले लो भाई, ऐसी कोई चीज़ ले लो जो क्या हो GP में। तो आपको पता है कि हम क्या लेते हैं, 2, 4 और 8, ये GP में, ठीक है ना, दिस टर्म इज इन GP। तो मैंने माना कि जो X है ये है, Y ये है और Z ये है। तो अब देख लो भाई, तो
आठ को 32 64, 64 प्लस एल 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस एल 4, ठीक है, और 64 प्लस एल 8, ठीक है। तो ये क्या इक्विवेलेंट होंगे? नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 64 प्लस 2 एल एन 2 भी लिखूं, कोई दिक्कत, 64 प्लस 3 एल एन 2 लिखूंगा तो ये आपस में कभी भी एचपी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 3, 1 3 5, तो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो ये एचपी में कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी जो कंडीशन हमने लिखी थी। लेकिन अगर ये नंबर वाला सिस्टम अगर आप एपी में लगाना चाहो तो तभी वहाँ पे भी ये सेटिस्फाई करेगा। देखो एल एन कितना आ जाएगा, 3 2 6, एल एन इज इक्वल टू 3 4 12 और एल एन इज इक्वल टू 8 6 24, ठीक है। तो हमें रखना है कि जो एल एन का एपी में 2 LN = 12 = LN 6 + LN 24, तो करके देख लेना, 6 6 24 = 12 2 144, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन एचपी में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तो केवल इसका आंसर ओनली वन ही सॉल्व होगा, ठीक है। एचपी के टर्म्स में थोड़ा लंबा जा सकता है अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा हमको ये भी याद रहना चाहिए कि एचपी क्या होता है, 1/AP, जो रेसिप्रोकल होता है 1/AP का, ठीक है। तो एपी में ये टर्म्स नहीं चल सकती हैं, देख पा रहे होंगे 2-3, ठीक है। कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को क्या करना, कमेंट बॉक्स में लिख लेना, अदरवाइज टेलीग्राम मैंने टेलीग्राम आईडी बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दी गई है, वहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछा एपी में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। एपी की कंडीशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2b = a + c का लगा के देख लो, अदरवाइज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 log 10 2x - 1 = log 10 to the base 2 + log 10 2x की पावर 3, ठीक है ना। तो जानते हो ये हो जाएगा 2x - 1 की पावर 2 = 2, जो हो जाएगा आपका log 10 से log हट गया, मैं सीधे 2 × 2x + 3 लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा 2 की पावर 2x + 1 + 2 × 2 की पावर x, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × x + 3 2 6, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। तो ये हो जाएगा 2 2 की पावर x - 4 2 की पावर x, ठीक है, = ये हो जाएगा 6 में से गया 5, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x - 2x + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब क्या करना चाहो तो आप 2 की पावर x, या तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर x कॉमन ले सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, 2x की पावर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव जा रहा है ये, यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छा एक काम करते हैं इसको ना, देखो यहाँ पे जब मुझे थोड़ा सा एक आइडिया सा आ रहा है, हम इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है मुझे, तो ये थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं सीधा लिखता हूँ, आप समझते हैं, ठीक है। जब ये इक्वेशन को देखो, जब मैंने सॉल्व किया अभी, तो मुझे क्या मिला, देखो क्या मिला, 2 की पावर 2x, है ना, और यहाँ पे से हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और 2x इधर से आ जाए, तो 4 × 2 की पावर x आई थी, ठीक है, और 3 × 2 = 6 और यहाँ बन गया था 5, यही तो बना था ना। तो यहाँ पे इसको मैं 2 की पावर 2x - 4 × 2x - 5 = 0, तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट y = ले लेता हूँ मैं, क्या मैंने y = 2 की पावर x कॉमन ले ली, तो जैसे ही x पावर कॉमन ली, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना, और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 × y - 5 = 0, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 है ना, तो 5 - 1 कर देते हैं, तो ये जगह y की पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे से हम कह सकते हैं y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5,
ठीक है, अगर y की वैल्यू माइनस वन होती है दैट मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस वन, और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x। भाई कभी भी 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस वन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवन है। 2 की पावर 1 पुट करोगे, 2 की पावर 0 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, बट ये कभी भी इक्विवेलेंट टू 1 पुट, माइनस 1 पुट नहीं कर सकती, इसलिए हम इसको ले लेते हैं गलत। अब बच्चा ये 2 की पावर x, अब यहाँ पे सीधे लगेगा log 2 द बेस 5, ठीक है, क्योंकि बेस नीचे आ जाएगा और एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। होप्स आपको मेरी बात समझ आ गई, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगाइए मुझे, ठीक है ना, क्योंकि मैं पकड़ नहीं पाया यहाँ पे कि एकदम से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसलिए मुझे थोड़ा डिले लग गया। बाकी अगर आप जो पकड़ लेगा भाई उसी का सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है ना, उसके लिए जल्दी हो जाएगा। ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, इन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि s इज इक्वल टू जो है उसमें आप 2, 3, 5, 7, 9 डिफरेंट 3 डिजिट नंबर है। सो s कैन बी मेड अप विच लेस देन 500, 500 से कम। अब 500 से कम बनाना है तो भाई 500 से कम आने के लिए सिर्फ तीन ही नंबर आ सकते हैं शुरू में, कौन कौन से, 2, 3 और 4। तो शुरू में तीन नंबर आएंगे। अब टोटल कितने नंबर है, 3, 3, 6, 7। तो अगर यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे 6 आएंगे और यहाँ पे 5 आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं। तो कर लीजिए 5, 6, 30, 90, 90 इज द करेक्ट आंसर पॉसिबल, जो 500 से कम होंगे ऐसे नंबर। फिर आते 20 क्वेश्चन, भाई 20 क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि ये n टर्म्स तक जा रहा है, विच इज़ द वैल्यू ऑफ 9p² + p। अब यहाँ पे बहुत सारे लड़के सोचेंगे क्या करना है क्या करना है, क्योंकि ये n टर्म्स तक जा रहा है। मैंने क्या बोला, जब जब भी कभी आपके पास कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे उसने n की कंडीशन नहीं बताई कि n इससे छोटा, n इससे बड़ा, कुछ नहीं बोला, बस बोला n टर्म्स, तो n टर्म्स बोला, मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 है भाई। जब n इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 1, और p इक्वल टू 1 तो डाल दो भाई p इक्वल टू 1, तो आपने बोला 9, 1 + 1 दैट इज 10। अब जो ऑप्शन में p की वैल्यू n की वैल्यू 1 डालने पे और p की वैल्यू 1 डालने पे जो 10 आंसर देगा वही आंसर है आपका। पहला ऑप्शन 10^1 × 1 = 10, यही आंसर है। चलो चेक कर लेते हैं कहीं मल्टीपल रिपीटेशन तो नहीं हो रहा, 2 × 1 × 10^1, तो ये हो जाएगा आपका 20। तीसरा ऑप्शन देखा ये, तो भाई यहाँ पे माइनस 1 लग चुका है, 10 - 1 = 9 देगा ये। चौथी कंडीशन ये 11 देगा, कौन सा ऑप्शन ट्रू है, केवल एक ऑप्शन ट्रू है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 90 इज द करेक्ट आंसर। होप सो आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी, ठीक है ना। ओके 21 क्वेश्चन अब कल करते हैं, होप सो आपको मेरी बातें होगी, क्योंकि एक घंटे की वीडियो बन चुकी है और मैं आप लोगों को ऑलरेडी परेशान नहीं करना था, मतलब बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। तो देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमने, मैंने कोई इतना भयंकर वाली कोई आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं लगा रहा हूँ, एक कॉमन सी चीज़ें जो सामने मुझे दे रखी हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को पकड़ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए आपके एनडीए के पेपर में, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, वो भी सही के सही क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी के साथ आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करनी है, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी आप लोगों के कमेंट मुझे मोटिवेशन करते रहते हैं, ठीक है ना, कि मैं मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2009 में जब मैंने बोला था तो उससे मेरा रिस्पांस अच्छा नहीं आया था, लेकिन उसके एक साल बाद बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया, तो मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ ये वीडियो। होप्स आपको वीडियोज़ पसंद आएंगी, और प्लीज़ अपना भी सपोर्ट दिखाएं जैसे मैं आप लोगों को अपना सपोर्ट दिखा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।